अलावा ट्रंप और मोदी ये दोनों आदमी एक फ्लाइट से सफर कर रहे थे, तो ट्रंप ने मोदी से कहा कि मोदी जी ये बताइए कि मैं यहाँ से 100 करोड़ रुपया गिरा दूं तो मुझे 200 करोड़ लोग दुआ देंगे। तो मोदी पलट करके ट्रंप से कहा कि जनाब आप बताइए कि अगर मैं 200 करोड़ रुपया यहाँ से गिरा दूं तो मुझे 400 करोड़ लोग दुआ देंगे। पायलट साहब बरजस्ता इनकी गुफ्तगु सुन रहे थे, पलट करके कहते अच्छा तुम दोनों बताओ अगर मैं तुम दोनों को गिरा दूं तो पूरी दुनिया मुझे दुआ देगी। बड़ी तेजी के साथ उलमाए किराम की बरगाह में कदम बोसी करता हुआ कि ऐ जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से, खताए बख्शवा के आ रहा हूँ मैं मदीने से। किया इनकार जहन्नम ने जलाने से ये कहकर कि खुशबू आ रही है मुजरिम के पसीने से। बिरादरान मिल्लत इस्लामी हमारे पीरो मुर्शिद पीरे तरीकत राबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुफ्ती गुलाम यासीन मिसबाही साहब किबला मेंबरे नूर पर तशरीफ रखते हैं। इनकी मौजूदगी में एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। मोहब्बत साथ उठाइए और बोलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया शाम से लेकर अब तक जितने शोरा और खुतबा और नकीब आए सबों ने कहा कि हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। हजरत इसका फायदा क्या है, जिम्मेदार स्टेज है, उलमा की मौजूदगी में बयान करना चाहता हूँ, मैं अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में पेश करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों आप गौर कीजिए, बुखारी शरीफ के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा सुभान अल्लाह कहता है, जब बंदा या रसूल अल्लाह कहता है, जब बंदा या नबी अल्लाह कहता है, अल्लाह के फरिश्ते उसे लिख लेते हैं। आप या नबी अल्लाह की सदा बुलंद करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते उसे लिख लेते हैं। अब आपके ज़हनो फिक्र में ये सवाल पैदा होगा, जब फरिश्ते लिखते हैं तो दिखते क्यों नहीं है। जिम्मेदार स्टेज है, उलमा की मौजूदगी में बयान करना चाहता हो। ऐ सरपल्लो में आने वाले सुन्नी मुसलमानों, आपने मैदान महशर का नाम सुना होगा लेकिन आपने मैदान महशर को देखा नहीं। उलमा की जबान से सुना जन्नत के बारे में गुफ्तगु की जाती है लेकिन आपने जन्नत को देखा नहीं। उलमा की जबान से सुना जहन्नम के बारे में गुफ्तगु की जाती है लेकिन आपने जहन्नम को देखा नहीं। उलमा की जबान से सुना तो आपका ईमानो अकीदा ये कहता है, आपका ईमानो अकीदा ये बोलता है कि जो मेरे मुस्तफा ने कह दिया है वो कल भी सच था, आज भी सच है और सुबह कयामत तक सच रहेगा। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं जब बंदा सुभान अल्लाह कहता है, जब बंदा या रसूल अल्लाह कहता है, जब बंदा या नबी अल्लाह कहता है, अल्लाह के फरिश्ते उसे लिख लेते हैं। अब आपके ज़हनो फिक्र में ये सवाल पैदा होगा, इसका अज़र और सवाब कब मिलेगा। जिम्मेदार स्टेज है, उलमा की मौजूदगी में बयान करना चाहता हो। कल मैदान है, क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पूछने वाला न होगा, न बाप बेटे का होगा, न माँ बेटी की होगी। ऐसे आलम में उस बार इस रजिस्टर को खोला जाएगा, चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कहीं पे या नबी अल्लाह है, कहीं पे या रसूल अल्लाह है, कहीं पे या हबीब अल्लाह है। फरिश्ते कहेंगे क्या तुमने नबी को देखा, आप जवाब दोगे नहीं। फरिश्ते कहेंगे तुमने कैसे कह दिया, कोई इतना बोलने की आदत डाल लो, कल मैदान है क़यामत के दिन उठना मचल करके जवाब देना। और फरिश्ते सुनो जिंदाबाद करने की सुन्नत करेंगे आप जिंदे के मुस्तफा से मुहब्बत करेंगे। मैं अपने गुफ्तगू को खत्म करूं, समय का अभाव दामने वक्त न्याय की तंग है। सब आदमी मेरे साथ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। सब लोग हाथ उठाकर नारा लगा लीजिए मेरे साथ, हाथ उठाइए, बोलिए नारा।